हेलो एवरीवन यह है लर्न कोर जावा वीडियो सीरीज़ यह वीडियो सीरीज़ उनके लिए है जो कंप्लीट कोर जावा सीखना चाहते हैं यह इस वीडियो सीरीज़ का वीडियो नंबर सेवेंटी सिक्स है इस वीडियो में हम थ्रेड प्रायोरिटी के बारे में डिस्कस करेंगे सो अस गेट स्टार्टेड नाउ वेरी फर्स्ट विल डिस्कस वाई टू सेट द प्रायोरिटी सबसे पहले हम यह देखेंगे कि थ्रेड की प्रायोरिटी हम क्यों सेट करें सो सेट थ्रेड प्रायोरिटी टू गेट द मोर सी पी यू साइकिल फॉर द पर्टिकुलर थ्रेड यहाँ पे हम थ्रेड के प्रायोरिटी इसी लिए सेट करेंगे क्योंकि हम चाहते हैं कि एक पर्टिकुलर थ्रेड को ज़्यादा सी पी साइकिल मिले मतलब उसको सी पी यू से ज़्यादा अटेंसन मिले ताकि वह ज़्यादा टास्क कम्प्लीट कर सके प्रायोरिटी का मतलब ये नहीं कि कि किसी को एग्जीक्यूशन का मौका पहले मिले या किसी को एग्जीक्यूशन का मौका बाद में मिले प्रायोरिटी सेट करने का मतलब है कि किसी पर्टिकुलर थ्रेड को जिसको हमने अधिक प्रायोरिटी दी हुई है उसको ज़्यादा सीपीयू का टाइम मिले ज़्यादा सीपीयू साइकिल मिले ओके सो दैट वो अपना काम कंपेरेटिवली ज़्यादा कर सके नाउ नेक्स्ट थिंग विल डिस्कस इज हाउ टू सेट द थ्रेड प्रायोरिटी सो टू सेट प्रायोरिटी सेट प्रायोरिटी मेथड इज यूज प्रायोरिटी को सेट करने के लिए हम थ्रीड क्लास की एक मेथड है सेट प्रायोरिटी उस मेथड का यूज करेंगे जिसमें हम एक इंटीजर वैल्यू को पास करेंगे ताकि हम ये बता सकें कि इसको कितनी प्रायोरिटी देनी है नेक्स्ट प्रायोरिटी में भी सेट बिटवीन वन एंड टेन टेन इज द हाइस्ट प्रायोरिटी एंड वन इज द लोएस्ट प्रायोरिटी जो प्रायोरिटी हम सेट करते हैं वह एक से लेकर दस के बीच हो सकती है यहाँ पे जो टेन वैल्यू आप दोगे वह हाईएस्ट प्रायोरिटी होगी और वन जो होगी वो लोएस्ट प्रायोरिटी और इनके बीच में कोई भी नंबर देके आप थ्रेड की प्रायोरिटी को भी सेट कर सकते हो नाउ इंस्टेड ऑफ इंटीजर वैल्यूज फॉलोइंग इन वेरिएबल्स ऑफ थ्रेड कैन बी यूज यदि आपको जैसे नंबर नहीं लिखने हैं टेन नहीं लिखना है वन नहीं लिखना है या फाइव नहीं लिखना है तो आप थ्रेड के कुछ इनबिल्ट वेरिएबल्स भी यूज कर सकते हो जैसे पहला है थ्रेड डॉट मैक्स प्रायोरिटी सो थ्रेड डॉट मैक्स प्रायोरिटी का मतलब होता है कि प्रायोरिटी टेन तो आप या चाहे तो टेन लिख दो इस सेट प्रायोरिटी मेथड में या फिर थ्रेड डॉट मैक्स प्रायोरिटी लिख दो तो उसकी प्रायोरिटी हाईएस्ट हो जाएगी यदि आपको जो नॉर्मल प्रायोरिटी देनी है तो या तो आप सेट प्रायोरिटी में फाइव लिख दो या फिर थ्रेड डॉट नॉन प्रायोरिटी वेरिएबल को लिख दो तो उसकी प्रायोरिटी फाइव सेट हो जाएगी देन वन मोर वेरिएबल इज देयर दैट इज थ्रेड डॉट मेन प्रायोरिटी मेन प्रायोरिटी वेरिएबल इसका मतलब होता है कि प्रायोरिटी वन तो या तो सेट प्रायोरिटी में आप वन दे दो या फिर थ्रेड डॉट मेन प्रायोरिटी दे दो तो उसकी प्रायोरिटी जो है वो मिनिमम यानी वन सेट हो जाएगी इसके अलावा यदि कोई और प्रायोरिटी आपको स्पेसिफाई करना है तो फिर आपको इंटीजर नंबर ही देने पड़ेंगे जैसे आपको किसी की प्रायोरिटी सेट करना है या किसी की प्रायोरिटी टू सेट करना है तो फिर आपको इंटीजर नंबर ही वहां पर देने पड़ेंगे ओके सो दिस इज वट अबाउट द थरिटिकल पार्ट ऑफ थ्रेड प्रायोरिटी अभी इस थ्रेड प्रायोरिटी को हम प्रैक्टिकली डिस्कस करें ओके सो इन दिस जावा फाइल वन प्रोग्राम इज ऑलरेडी रिटर्न टू डिस्कस द थ्रेड प्रायोरिटी हालांकि यहाँ पे अभी हमने सभी की प्रायोरिटी सेट नहीं की है तो सबसे पहले तो उस थ्रेड को हम डिस्कस कर लें सो हमने यहाँ पे एक काउंटर थ्रेड बनाया हुआ है जैसे देखो यहाँ पे लिखा हुआ है क्लास काउंटर इम्प्लीमेंट्स रनेबल तो काउंटर थ्रेड बनाया है और इस थ्रेड में हमने क्या किया हुआ है एक काउंट नाम से वेरिएबल डिक्लेयर किया हुआ है एंड एक फ्लेग नाम से भी बोलियन टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर किया जिसकी इनिशियल वैल्यू ट्रू हमने रखी हुई है अब इसके रन मेथड में हमने देखा है कि जब तक फ्लेग की वैल्यू जो है वह ट्रू है ओके, फ्लेग की वैल्यू ट्रू है तो so, जब तक इस uh... फ्लेग की वैल्यू ट्रू रहेगी तब तक जो थ्रेड है काउंट की वैल्यू को वन से इंक्रीज uh, करता चला जाएगा यानी एक तरीके से जो काउंटर थ्रेड है वो काउंटिंग कर रहा है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स ऐसे और वो काउंटिंग कब तक करते जाएगा जब तक कि फ्लेग की, की वैल्यू ट्रू रहेगी तो इससे ये पता चल जाएगा कि एक पर्टिकुलर थ्रेड ने कितना काम किया है कहाँ तक उसने काउंटिंग की है जिसने ज़्यादा काउंटिंग की है मतलब उसको ज़्यादा सीपीयू साइकिल मिले ज़्यादा सीपीयू का टेंशन मिला और जिसने कम काउंटिंग की है मान के चलिए उसको कम सीपीयू साइकिल मिले उसको कम सीपीयू का टाइम अलॉट किया गया सो दिस इज द काउंटर थ्रेड बी क्रिएटेड अब नेक्स्ट में हमने एक मेन मेथड के अंदर ओके मेन मेथड के अंदर सबसे पहले मैंने मेन थ्रेड को जो है वो हम मैग्जिम प्रायोरिटी अलॉट कर दी उसके लिए हमने लिखा हुआ थ्रेड डॉट करंट थ्रेड डॉट सेट प्रायोरिटी थ्रेड डॉट मैक्स प्रायोरिटी तो जो मेन थ्रेड है क्रिएटेड बाय द दीवीएम उसको हमने हाईएस्ट प्रायोरिटी दे दी मैक्स प्रायोरिटी ताकि इसको हमेशा से ज्यादा प्रायोरिटी मिले ओके देन बट वे डेट मैंने पहले काउंटर का एक ऑब्जेक्ट बनाया एंड देन काउंटर का एक और ऑब्जेक्ट बनाया तो ये जो रनेबल है अपना काउंटर उसके दो ऑब्जेक्ट हमने क्रिएट किए फिर दो थ्रेड के ऑब्जेक्ट भी क्रिएट किए हुए हैं टी एच वन जिसको हमने C1 बनाया, उसको मैंने C2 दिया है आर्गुमेंट, तो ये एक तरीके से दूसरा थ्रेड हुआ जो भी वो भी काउंटिंग का काम करेगा ओके तो दो थ्रेड को हमने काउंटिंग पे लगाया अब मैंने पहले TH1 वन थ्रेड को स्टार्ट किया मतलब रनेबल स्टेट में भिजवाया फिर TH2 को स्टार्ट किया मतलब उसको रनेबल में भिजवाया पहले रनेबल स्टेट में जा रहा है टीएच वन थ्रेड और फिर रनेबल स्टेट में जा रहा है एच टू थ्रेड फाइन अब ये दोनों रनेबल में चले गए अब इनको कभी ना कभी CPU होगा और ये अपने काउंटिंग करेंगे ओके ना वट आई डेड की जो मेन थ्रेड है उसको मैंने पांच सेकेंड के लिए ब्लॉक कर दिया ताकि पांच सेकेंड तक ये जो दोनों थ्रेड है जैसा भी उनको सीपीयू मिलता चला जाएगा उसके अकॉर्डिंगली काउंटिंग करते चले जाएंगे तो मेन थ्रेड को हमने पांच सेकंड के लिए ब्लॉक कर दिया देन पांच सेकंड के लिए जब ब्लॉक किया उसके बाद में जस्ट बाद में मैंने C1 में फ्लैग की वैल्यू को फॉल्स कर दिया क्योंकि हमने TH1 को पहले स्टार्ट किया तो देखो यहाँ पे मैंने C1 के फ्लैग की वैल्यू को पहले फॉल्स किया और जैसे ही फ्लैग की वैल्यू फॉल्स होगी जस्ट लुक हियर यहाँ लिखा भी है तो वो अपनी काउंटिंग बंद कर देगा तो हमने क्या किया वह है कि C1 की वैल्यू को पहले फॉल्स किया C1 के फ्लैग की वैल्यू को पहले फॉल्स किया एंड सी टू के फ्लैग की वैल्यू को बाद में फॉल्स किया है ना ताकि जो रनबल में भिजवाने का जो सिक्वेंस है क्रम है वही हमने यहाँ पे भी मेंटेन किया हुआ है है ना ताकि हम एक गेस कर सकेंगे दो, दोनों को लगभग बराबर टाइमिंग मिले. Then, मैंने टी -एच पे भी कर लिया और टी एच टू पे भी ज्वाइन कर लिया कॉल कर लिया ताकि यहाँ पे जो मेन थ्रेड है इन केस यदि कोई थ्रेड ने अभी काउंटिंग बंद नहीं की है अपना काम कंप्लीट नहीं किया है वो टर्मिनेट नहीं हुआ है तो जो मेन थ्रेड है वो दोनों के लिए वेट करे और उसके बाद में हमने C1 की जो वैल्यू है वो भी यहाँ प्रिंट करवा दी C1 के काउंट की वैल्यू और C2 के काउंट की वैल्यू को भी प्रिंट करवा दिया अब यहाँ जो C1 के काउंट की वैल्यू और C2 के काउंट की वैल्यू प्रिंट होगी उन दोनों को वैल्यू देख के हमें पता लग जाएगा कि किस थ्रेड को ज्यादा सीपीयू साइकिल मिला ज्यादा सीपीयू का टाइमिंग मिला और किस थ्रेड को कम सीपी साइकिल मिला मतलब कम सीपीयू का टाइमिंग अलोकेट किया गया तो विदाउट सेटिंग द प्रायोरिटी यहां पे मैंने प्रायोरिटी सेट नहीं किया हुआ है okay? ना टी एच वन को कोई प्रायोरिटी दिया ना टी एच टू को एक नॉर्मल एग्जीक्यूशन अभी हम कर रहे हैं यहां पे सो रन इट नाउ सोलो कियर सी वन ने जो काउंटिंग की है हम सिर्फ फर्स्ट थ्री डिजिट को देख ले नाइन फाइव नाइन और इसने फाइव फाइव वन तो थोड़ा डिफरेंस है सी वन की काउंटिंग ज़्यादा है और सी टू की काउंटिंग कम है बट ज़्यादा डिफरेंस नहीं है जस्ट लुक हियर है ना हम यूं देख सकते हैं कि ये नाइन और फाइव यहाँ से याद रखें ऐसे ही इसको कुछ पाँच छः बार और रन करके देखते हैं फाइव टू सिक्स टाइम्स सो लेटेस्ट रन इट ओके सेकेंड टाइम में भी ऐसा हुआ है कि सी वन ने ज्यादा काउंटिंग की है सी टू ने कम काउंटिंग की है बट ज्यादा डिफरेंस नहीं है नंबर ऑफ डिजिट्स की यदि हम बात करें तो दोनों में लगभग सेम है फाइन बट यू कह सकते हैं कि इस बार भी सी वन को सीपी साइकिल ज्यादा मिले ये दूसरी बार रन किया एक बार और रन करते हैं तीसरी बार अब तीसरी बार में देखें Uh, C1 को कम सी पी साइकिल मिले जैस लुकीयर फोर्टी सिक्स तक ही काउंटिंग हुई है इसकी और इसकी फोर्टी एट तक ओके okay? तो इस बार अब मतलब जो तीसरी बार में है सी टी सी टू को जो है वो ज़्यादा सी पी साइकिल मिले बट नंबर ऑफ डिजिट्स अभी भी जो दोनों में है वो बराबरी है मतलब ज़्यादा डिफरेंस नहीं है काउंटिंग में ये तीसरी बार कुछ बार और रन कर लें ओके लुक हियर अब फिर से C1 को ज्यादा सीपी साइकिल मिला फोर्टी एट है वहां पे और यहाँ पे सिर्फ फोर्टी वन है हालांकि नंबर ऑफ डिजिट्स दोनों काउंटिंग uh, में बराबर है ओके okay? एक बार और रन करके देख लेते हैं ओके फोर्टी एट समथिंग तक ये फोर्टी सेवन समथिंग तक ओके नाउ लास्ट टाइम और फिर प्रायोरिटी सेट करके इसको रन करेंगे हम फोर्टी फोर फोर्टी फाइव तो इस ट्रेंड हमने देखा कि दूसरी बार अब सी टू को ज्यादा सीपी साइकिल मिला एक चीज हमने यहाँ पे और ऑब्जर्व किया हुआ है नंबर ऑफ डिजिट्स लगभग दोनों में सेम आए अब हम प्रायोरिटी सेट करेंगे और देखेंगे कि दोनों के काउंटिंग में क्या डिफरेंस आ रहा है जो गैप है दोनों की जो काउंटिंग है उनके बीच में डिफरेंस ज्यादा आ रहा है या कम ही आ रहा है ओके सो लेट लेटेस्ट सीट है ना कभी सी वन ज्यादा है कभी सी टू ज्यादा है अब प्रायोरिटी सेट करें सो लेट लेटेस्ट सेट द प्रायोरिटी बिफोर स्टार्ट मेथड कॉल हमको प्रायोरिटी सेट करना है सो टीएच1 की मैंने प्रायोरिटी सेट किया लेट अस से सेट प्रायोरिटी और इसको दे दिया 8 प्रायोरिटी मतलब मैंने टीएच1 को ज्यादा प्रायोरिटी दिया टीएच2 डॉट सेट प्रायोरिटी एंड इसको हमने 2 प्रायोरिटी दे दिया मतलब थोड़ा कम प्रायोरिटी दिया अब देखेंगे कि दोनों के जो काउंटिंग है उसमें कितना डिफरेंस आता है ना इसको भी हम 3 4 टाइम्स चला के देखेंगे सो दैट एक प्रॉपर डिफरेंस हमें पता लग जाए सो रन द प्रोग्राम अनलुखिया द डिफरेंस नाउ हालांकि नंबर ऑफ डिजिट है बट फर्स्ट वन की काउंटिंग है सिक्सटी तक और दूसरे की काउंटिंग है थर्टी नाइन मतलब पहले की काउंटिंग ज्यादा है और दूसरे की कम है चले एक बार और रन करें पहले की नाइन्टी वन और थर्टी देखो अब डिफरेंस भी ज्यादा आने लगे है ना uh, जब प्रायरिटी uh, हमने सेट नहीं किया था तो मोस्ट केसेस में ऑब्वियसली सीवन का जो काउंटिंग ज्यादा हो रहा था बट देन ओनली उतना डिफरेंस नहीं था देखो यहाँ पे नाइनटी वन और यहाँ पे सिर्फ थर्टी तक की काउंटिंग है सो so, एक तरीके से कह सकते हैं कि जो टी वन थ्रेड है उसको सीपीयू साइकिल ज्यादा मिल रहे हैं एक बार और रन करके देखें लुखियर सिक्सटी टू एंड ये थर्टी ओके सो अगेन सी को ही ज्यादा सीपीयू साइकिल मिला और एक चीज और हम ऑब्जर्व कर रहे हैं यहाँ पे कि अब हमेशा C1 यानी टी एच वन थ्री को ही ज्यादा सीपी साइकिल मिल रहा है उसी की काउंटिंग ज्यादा हो रही है तो प्रायोरिटी सेट करने से ज्यादा उसको वो मिला देखो यहाँ पे फिर से सिक्सटी थ्री तक थर्टी थ्री मतलब सी टू एक बार भी काउंटिंग ज्यादा नहीं कर पाया जबकि हमने प्रायोरिटी जब सेट नहीं किया था तो दो बार ऐसा हुआ था कि सी टू ने काउंटिंग ज्यादा किया था चाहे एक बार और रन करके देख लें

टी एच वन को अधिक प्रायोरिटी दिया तो हमेशा उसी की काउंटिंग ज्यादा रही है उसी को ज्यादा सीपी साइकिल मिले हैं फाइन सो दिस इज बट अबाउट द प्रायोरिटी ऑफ द थ्रेड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो